जारी और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बजट से पहले वित्त मंत्रालय की मिली मंजूरी और 2,864.42 करोड़ रुपए की जनवरी में मिली है नियमित किस्त। अग्रिम किस्त के रूप में 2,864.42 करोड़ रुपए जारी। केंद्र से कर हस्तांतरण के कुल 5,729.64 करोड़ रुपए मिले। प्रदेश में कोविड प्रबंधन समेत कई योजना का होगा वित्त प्रबंधन। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, प्रदेश सरकार के वित्तीय प्रबंधन में मिलेगी मदद, इससे इस वक्त यह बड़ी खबर सामने आ रही है। अंकित हमारे साथ है, अंकित पूरी रिपोर्ट क्या है ये? देखिए बेहद अहम है कि राजस्थान सरकार के खाते में पैसा आया है, क्योंकि वित्तीय करंट से लगातार जूझ रहे हैं और बजट भी आने वाला है, ना केवल केंद्र सरकार का साथ ही राज्य सरकार का भी। 9 फरवरी से बजट सत्र शुरू होगा और जब बजट आएगा तो उससे पहले की जो कोरोना प्रबंधन के मामले हैं, राशि है, विभिन्न योजनाएं हैं, उनमें राज्य सरकार को पैसा चाहिए था। ऐसे में कर हस्तांतरण की अग्रिम जो किस्त है वो भी जारी की गई है। जनवरी महीने में 2,864 करोड़ रुपए की राशि केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकार को दी गई थी। अब अग्रिम किस्त भी हाथों हाथ जारी की गई है। ऐसे में कुल 5,729 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार को मिले हैं, इससे कोविड प्रबंधन समेत कई योजनाओं में पैसा आ सकेगा। और सबसे अहम ये इसलिए भी है क्योंकि राजस्थान सरकार जो योजनाएं फिलहाल प्रदेश में संचालित किए हुए हैं उनमें जो वित्तीय तरलता है वो बन सकेगी। तो कह सकते हैं कि केंद्र से मिली सपोर्ट, कर हस्तांतरण जो वित्त मंत्रालय और केंद्र सरकार राज्यों को सपोर्ट कर रही थी उसके तहत जो राशि मिली है, इससे एक बड़ी राहत राजस्थान सरकार अपनी योजनाओं को स्टेट में धरातल पर लाने में मिल सकेगी। जी बिल्कुल, धन्यवाद इस पर तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य सरकार के खाते में यह पैसा आया है और केंद्र से मिला राजस्थान का पैसा। और एक बड़ी खबर इसी बीच झुंझुनू से आ रही है, आपको बता दें कि इस वक्त